वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम यशवंत शर्मा है और जो मैं साथ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर वजित सिंह जी का विश्वास। एक बात ही बात है, पहाड़ी राजाओं और गुरु गोविंद सिंह जी के बीच में लड़ाई थी। गुरु गोविंद सिंह जी जिस किले में थे उसका दरवाजा तोड़ने के लिए पहाड़ी राजाओं ने तरकीब बनाई। वह अगले दिन अपना सबसे ताकतवर हाथी भेजकर उस किले के गेट को तोड़ेंगे। और जैसे ही गुरु गोविंद सिंह जी को इस बात का पता चला तो उनने भी एक अपना पहाड़ी राजाओं के पास पत्र भेजा कि हमारे पास भी अपना एक हाथी है। तो फिर उनके सिपाहियों ने पूछा हमारे पास कौन सा हाथी है, तो फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला हमारे पास अपना धूनी चंद है। फिर धूनी चंद यही बात सुनकर वह बहुत डर गया, उसी रात डर के मारे भाग गया। तो वह अगले दिन जब पता चला धूनी चंद भाग गए हैं तो वह सारे सिपाही डर गए। पर गुरु गोविंद सिंह जी ने जब भी बोला कि डरने की कोई बात नहीं है। फिर वहीं से वचित सिंह जी ने बोला कि मैं हाथियों का मुकाबला करूँगा, बस मुझे गुरु गोविंद सिंह जी का आशीर्वाद चाहिए, तो मैं एक या सैकड़ों हाथियों को एक ही बार में ख़त्म कर दूँगा। तो वह अगले दिन जब हाथी आए तो वह वचित सिंह जी लड़ाई के लिए गए। अपनी नागिनी से उनने हाथी के सर पर अपना नागिनी फेंका और हाथी के जो कवच थे लोहे के वो टूट गए और हाथी बहुत घायल हो गया और अपने ही साथियों को कुचलता चला गया। इससे हमें ये पता चलता है, इसका मोरल ये है कि अगर हमें किसी भी बड़े का आशीर्वाद मिल जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और अगर आपने मेरी यहाँ तक साखी सुनी है तो उसके लिए धन्यवाद। और प्लीज़ इसको शेयर करिए, लाइक कर दीजिए। और वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।